ना इन इंडिया देयर लाइज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट, कि हमारे यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी वी ऑल आर इंडियंस, देयर लाइज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अब जो दूसरा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरी चीज दैट इज भाषा संगम, उसकी तरफ हम चलते हैं. भाषा संगम में हम हर रोज अलग अलग लैंग्वेजेस सीखेंगे, अलग अलग भाषाएं सीखेंगे. जैसे लास्ट वर्किंग डे हमने कौन सी भाषा बोली थी, और आज हम बोलेंगे बंगाली. उससे पहले मैं सोनू सर को आमंत्रित करना चाहूंगी, वो भाषा संगम के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करना. जैसा कि आपको पता है कि आज भाषा संगम का सप्ताह मनाया जा रहा है, तो भाषा का अर्थ ही है कि बोलना, जो संस्कृत शब्द है, और संगम का अर्थ है एकीकृत होना. आपको पता है कि भारत जो देश है वह बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, लेकिन 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है, और इसके अतिरिक्त बहुत सारी भाषा बोलियां हैं जो भाषाओं के लिए संघर्ष कर रही हैं. भाषा जो है हमारे सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का परिचायक है, और ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और यहाँ खासी का एक शब्द बोलता हूँ, तो खासी वाले बच्चे बहुत अच्छे से प्रभाव करते हैं. अगर आप तमिलनाडु में जाते हैं और वहाँ पर किसी को सम्मान सूचक शब्द होता है एक, हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं. अगर आप किसी के यहाँ भी जाते हैं, अगर उनको अन्ना बोल के संबोधित करते हैं, तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है. ये भी हमारी भाषा जानता है, तो ये हमको जोड़ती है. आप देख भी रहे हैं कई बार कई जगहों पर कि भाषा के नाम पर विवाद भी है, कि इस भाषा के लोग हमारे पर थोप रहे हैं. इसी को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं संगम, भाषाओं का संगम मनाने के लिए. और हम सभी यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट और टीचर्स हैं, कम से कम दो लैंग्वेज तो सभी को आती है, दो या तीन. और भाषा सीखने का अर्थ क्या है आपको पता ही है, मस्तिष्क का विकास होता है. आप अगर आप आगे बढ़ेंगे जॉब में, तो ऑफिस में भी आपको बहुत सारी सुविधाएं होती है. जैसे बराबर कुछ इसके लक्षण हैं, जैसे आप हिंदी, इंग्लिश और भी इंटरनेशनल लैंग्वेज जानते हैं, तो उससे आपको जो भाषी अर्थात अनुवादक, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेटर भी बोलते हैं, उसका जॉब आप आसानी से पा सकते हैं. अभी आप स्टूडेंट हैं, लेकिन आगे जाकर कभी रिसर्च करना हो तो आप विदेश में जाएंगे, अगर वहाँ की भाषा आप जानेंगे तो और अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं. तो भाषा सीखना हमारे संस्कृति का परिचायक है, और हम सभी नागरिकों को एकजुट कर दिए, इसीलिए हम लोग यही संकल्प लेंगे आज कि किसी की भाषा का अपमान न करते हुए प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक सीखेंगे. धन्यवाद. सोनू सर ने आपको बताया कि अलग अलग भाषाएं सीखना क्यों जरूरी है, तो आज की भाषा हमारी है फारसी, बंगाली. तो मैं जया मैम को बुलाना चाहूंगी, वो आपको बंगाली में कुछ सेंटेंसेस सिखाएंगे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. Today, I am going to speak simple sentence related to Bengali language. So first, I am going to speak in Hindi, then I will speak in English, and then I will speak in the regional language, that is Bangla. And after I speak, you will repeat with me. Is it clear everyone? Okay. Now, in Hindi, we say Namaskar. In English, we say Hello. And when it comes to Bangla, we say Namaskar. Namaskar. In Hindi, we say After Namaskar. In English, we say What is your name? And in Bengali, we say Apunar Naam Ki. In Hindi, we say Mera naam Lakshmi hai. In English, we
Lakshmi. And in Bengali, we say Amar Naam Lakshmi. Amar Naam Lakshmi. In Hindi, we say Aap Kaise Ho. In English, we say How are you? Aapne kemon. And in Bengali, we say Aapne kemon achen. How are you? In Hindi, we say Main Achha Hu. In English, we say I am fine. And in Bengali, we say Ami Bhalo Achi. So you have learned few steps, Bengali simple sentence. Okay, thank you everyone.